हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.3 कर चुके थे, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, यहाँ पे एक स्टार मार्क है। इस स्टार मार्क की मीनिंग होती है कि ये जो एक्सरसाइज है ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को छोड़ेंगे नहीं, इसके भी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड उसके सामने जो नंबर दिया है आपको वेरीफाई करना है और बताना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। जीरोस कब होंगे, जब इनकी वैल्यू हम एक्स की जगह पे रख दें तो टोटल जो रिजल्ट आए वो जीरो हो जाए, तो ये जीरोज़ हो जाएंगे। तो हमें वेरीफाई करना है एंड देन उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशियंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इसे हम करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के लिए आपको बता दिया गया था कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये है सम ऑफ जीरोज़ एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इनका क्या रिलेशन है, हैं तो जीरोज़ ही, तो जीरोज़ का क्या रिलेशन है कोफिशियंट के साथ वो हमने देख लिया था। बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था। तो आज हम क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कितने जीरोज़ होंगे, तीन जीरोज़ होंगे, एटमोस्ट थ्री जीरोज़, अल्फा बीटा एंड गामा। और इन जीरोज़ का रिलेशन इन कोफिशियंट के साथ क्या है, देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये क्या होता है, सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो हम इन्हीं हमें क्या है, इन्हीं रिलेशंस को फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड देन हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड हमें क्या है, इन्हें चेक करना है कि ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, हम पी एक्स सपोज कर लेते हैं, सपोज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले पी ऑफ हाफ चेक करते हैं, पी ऑफ हाफ क्या होगा, 2 हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 4 2 2 4 एंड 4 2 8 प्लस 1 1 1 2 2 4 माइनस 5/2 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 तो आ रहा है हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है हमारा, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब अगर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 माइनस 5 प्लस 2 2 4। ये बेसिक से स्टेप्स हैं जो हम बहुत बार कर चुके हैं, इस वजह से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि कैसे हमने एलसीएम लिया है, कैसे क्या किया है, यहाँ पे कैसे 1/2 आया, ये बहुत बेसिक स्टेप है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 1 माइनस 5 क्या आएगा, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 प्लस 4/2, माइनस 4 प्लस 4 क्या होगा, 0/2, दैट इज़ 0। इसकी मीनिंग कि पी ऑफ हाफ क्या है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। पी ऑफ 1 चेक कर लेते हैं, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 क्यूब 2 प्लस 1 माइनस 5 1 5 प्लस 2 2 2
कितना होगा, 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। अब पी माइनस 2 चेक कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2, 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव नंबर है, पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस 8 आएगा, प्लस यहाँ पे पावर इवन है तो ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 टू 10 प्लस 2, इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16, 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 2 इज 16, ये भी क्या आ गया हमारा जीरोज, यानी ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अगर ये तीनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो अल्फा क्या होगा, हाफ, बीटा इज 1 एंड गामा इज माइनस 2, हमें अल्फा बीटा गामा पता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो रिलेशंस हमने लिखा था इसे वेरीफाई कर देंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है एंड डी क्या है। तो ए जो है हमारा, ए क्या है, 2 एंड उसके बाद बी क्या है, 1, सी माइनस 5 एंड डी इज 2। लिख लेते हैं, बी इज 1, सी इज माइनस 5 एंड डी इज 2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, हाफ प्लस 1 माइनस 2, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ माइनस 1, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस हाफ, ठीक। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, क्या ये माइनस बी बाई ए है, तो देखिए बी क्या है हमारा 1, ए क्या है 2 माइनस, तो ये हमारा माइनस बी बाई ए है, तो हम इसे लिख सकते हैं ये हमारा माइनस बी बाई ए है, ठीक है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा हमारा, हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस हाफ इंटू माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 1 इज़ हाफ प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 इज़ 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, ये क्या आएगा हाफ, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होगा माइनस 3, उसे सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, माइनस 5 बाई 2। अब देखेंगे कि माइनस 5 बाई 2 सी बाई ए है कि नहीं, तो सी हमारा था सी बाई ए, सी क्या था हमारा माइनस 5, सी हमारा क्या था माइनस 5 था, और ए क्या था हमारा 2, तो ये हमारा सी बाई ए हो गया। देखिए सी क्या है हमारा माइनस 5 और हमारा ए क्या है 2, माइनस 5 एंड 2 सी बाई ए माइनस 5 बाई 2, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या था हमारा हाफ, बीटा इज 1 एंड गामा इज माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लिकेशन में है, 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा इन प्लस माइनस माइनस 1, माइनस 1 आएगा, नीचे कुछ नहीं, इट मींस 1 ही है। अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है आपका, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, डी क्या था आपका, डी आपका था 2 माइनस एंड ए क्या था 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बाई 1, ठीक है, यही हमारा क्या है माइनस डी बाई ए है, तो ये वाली भी रिलेशन वेरीफाई हो गई। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, इस केस में भी हम चेक कर लेंगे कि ये सारे क्या है, इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, ये क्या है, इसे हमने पी ऑफ एक्स ले लिया है, पी ऑफ 2 क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 4 इंटू 2 टू ज़ा 4, 5 टू ज़ा 10 माइनस 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 4 इंटू 4 क्या होगा 16 माइनस 16, 10 माइनस 2 क्या होगा 8, लेकिन प्लस में आएगा साइन, जो हमारा बड़ा नंबर है उसके पास प्लस का, तो हमने प्लस ही लगाया है, 8 प्लस 8 क्या होगा 16 एंड माइनस 16 क्या आ गया 0, इसकी मीनिंग ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। 1 के लिए चेक कर लेते हैं, दोनों 1 है तो हम एक ही बार चेक कर लेंगे, दोनों के लिए आ जाएगा पी ऑफ 1 क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1 आएगा माइनस 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 1 5 एंड माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 2, चलिए ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं सीक्वेंस में, 1 माइनस 4 क्या होगा माइनस 3, 5 माइनस 2 क्या होगा प्लस 3, दिस इज़ 0, तो ये भी हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इस केस में चलिए पहले ए बी सी लिख लेते हैं, ए क्या होगा हमारा 1, बी क्या है माइनस 4, सी क्या है 5 और डी क्या है माइनस 2, ये देखिए
ए वन है, बी माइनस फोर है, सी फाइव है, डी क्या है माइनस टू है, एंड अल्फा क्या है टू, बीटा इज वन एंड गामा इज ऑल्सो वन। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे हम। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा टू प्लस वन प्लस वन क्या आ रहा है टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है माइनस फोर, ए क्या है वन, माइनस माइनस प्लस फोर बाई वन आ जाएगा। तो हमने रिलेशन इसका भी वेरीफाई कर दिया, ये बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, टू इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू क्या आएगा टू इंटू वन इज़ टू, वन इंटू वन इज़ वन, टू इंटू वन इज़ अगेन टू, टू प्लस टू इज़ फोर, फोर प्लस वन इज़ फाइव। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है हमारा सी बाई ए, ये सी बाई ए होना चाहिए, सी क्या है हमारा फाइव, ए क्या है वन, हो गया वेरीफाई। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है हमारा टू, बीटा इज़ वन एंड गामा इज़ ऑल्सो वन, टू इंटू वन टू, अगेन वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आएगा, क्योंकि वन से किसी के भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए वो खुद आता है। अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए माइनस डी बाई ए, यही होता है, डी क्या है यहाँ पे माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस टू, ए क्या है वन, हो गया ये टू बाई वन यानी टू, ठीक है। तो हमने दोनों दोनों पार्ट के लिए रिलेशन क्या है वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज टू माइनस सेवन माइनस फोर्टीन रेस्पेक्टिव। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवेन है, अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवेन है एंड अल्फा बीटा गामा गिवेन है, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दोनों साथ में होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे गिवेन है। बस क्या करना है आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यही था, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू गिवेन था, अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस सेवन गिवेन है, अल्फा बीटा गामा ये आपको माइनस फोर्टीन गिवेन है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, ये माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए आपको गिवेन है टू एंड नीचे कुछ नहीं इट मीन्स वन। ये क्या होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, सी बाई ए आपको माइनस सेवन गिवेन है, नीचे कुछ नहीं अगेन वन, एंड अल्फा बीटा गामा क्या होता था हमारा माइनस डी बाई ए, ये माइनस डी बाई ए आपको माइनस फोर्टीन गिवेन है, नीचे कुछ नहीं यानी वन। तो ए क्या है आपका कंपेयर कीजिए, ए क्या है सब में वन है, बी क्या है यहाँ पे देखिए माइनस टू, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो बी इज़ माइनस टू, सी क्या है माइनस सेवन, डी क्या है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा डी इज़ फोर्टीन। ये आपको क्या है कंपेयर करके मिला है, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करके हमें क्या है ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए मीन्स वन एक्स क्यूब प्लस बी मीन्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी मीन्स माइनस सेवन एक्स प्लस डी मीन्स फोर्टीन। इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टीन इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवेन है, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर ए माइनस बी ए ए प्लस बी फाइन ए एंड बी। अगर आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोज ए माइनस बी ए ए प्लस बी गिवेन है तो आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइन करनी है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको पॉलिनोमियल गिवेन था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमने इसे पी ऑफ एक्स लेट कर लिया, और आपको जीरोस गिवन थे a माइनस बी ए ए प्लस बी। तो हमें क्या है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस होते हैं उसी के हेल्प से करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो हम लिख लेते हैं, इसको हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर नहीं करेंगे, वेरिएबल ही तो है हम चेंज कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें जीरोज ए के फॉर्म में ए एंड बी के फॉर्म में गिवन है। तो हम जो है इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टी,
हम इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करेंगे। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी 1, q की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3, r की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड t इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, p, q, r एंड t, इसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? देखिए, अगर हमारा ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता था तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता था? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है? क्यू। तो ये माइनस क्यू बाई ए की जगह पे है पी, तो ये माइनस क्यू बाई पी होगा। तो सम ऑफ जीरोस करने, हमें जीरोस गिवन है तो जीरोस के सम कर लेते हैं, क्या होगा? ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी एंड क्यू माइनस ऑफ क्यू, क्यू क्या गिवेन है? -3 एंड पी क्या है? 1। माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए प्लस ए 3a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बाय ए। ये हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 3 बाय 1 इंटू 3 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। यानी अब जो है ये हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 माइनस बी 1 एंड 1 प्लस बी, ए की जगह पे हमने क्या है? 1 पुट कर लिया, तो 1 माइनस बी 1 1 प्लस बी, ये हमारे जीरोज़ हमें मिल गए हैं। अब चलिए करते हैं आगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा क्या है? अब चेंज हो गया है, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, ये क्या आएगा आपका? 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए 1 ही आता है, 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी। एक्स माइनस ए एक्स प्लस वाई क्या होता? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस टी बाई पी, जैसा कि वहाँ पे हमें माइनस डी बाई ए मिलता था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस टी बाई पी विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर। माइनस टी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस टी क्या है? 1 एंड पी क्या है? 1, 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर हम यहाँ लेके आएंगे और इस 1 को यहाँ लेके जाएंगे माइनस 1 को, तो ये माइनस बी स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो प्लस में आ जाएगा और ये माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 1 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज 2। बी क्या आएगा हमारा? प्लस माइनस अंडर रूट 2। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो रूट की वैल्यू है पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है एंड 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है एंड 2 का स्क्वायर भी क्या है? 4 ही होता है, इस वजह से हम प्लस माइनस में लेते हैं। तो हमारे जो जीरोज़ हैं ए एंड बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू आ गई 1 एंड बी की वैल्यू आ गई रूट 2 और माइनस रूट 2, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, हमें यही फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।